किस किस से बच के रहेंगे हम? एक स्कूल में टीचर पढ़ाने वाले उससे बचे, या कोई मोहल्ले में एक अंकल बुला रहे हैं एक चॉकलेट के मांग पे, तो हम उनसे बचे? हम किस किस से बचने की कोशिश करें? चार दिन मोमबत्तियां जला के श्रद्धांजलि देने के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। ये गुस्सा, ये पीड़ा नाथ द्वारा से निकल कर आई है, जहां कल बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने देश भर में हो रहे नारियों पर अत्याचारों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया, एक आक्रोश व्यक्त किया। और आक्रोश के केंद्र में बंगाल में हाल ही में हुई वो घटना थी जिसने पूरे देश को दहला दिया। तो लगातार न्याय की मांग होती रही, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयों की मांग होती रही, और बड़ी मुखर तरीके से इस विषय को सभी के सामने रखा गया। सुनिए आखिर क्या कुछ इस पूरे प्रकरण पर वहाँ पर छात्राओं द्वारा कहा गया। पब्लिक से हूँ और ये सभी जो खड़ी हैं हमारे नागरों से बिलोंग करती हैं। हम सभी जैसे न्यूज सुन रहे हैं कि 4 साल से बच्चे से लेकर 80 साल की बूढ़ी औरत के साथ रेप हो रहे हैं। इन लोगों के दिमाग में खून ना दिमाग में नहीं दौड़ता, कहीं और दौड़ता है। इसलिए सख्त जरूरत है कि हम इनको जल्दी से जल्दी ऐसी कड़ी सजा दें कि बाकी काप जाए, कि हम ऐसा नहीं करें, हमारी बहन बेटी की तरफ ना देखें। किस किस से बच के रहेंगे हम? एक स्कूल में टीचर पढ़ाने वाले उससे बचे, या कोई मोहल्ले में एक अंकल बुला रहे हैं एक चॉकलेट के मांग पे, तो हम उनसे बचे? हम किस किस से बचने की कोशिश करें? क्या हमें बचने के लिए किसी की जरूरत है? क्या हम लड़कियां नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? बस यही आपके रिक्वेस्ट है कि मेरी आप सभी मिलकर हमारा जो साथ दिया है, एक ऐसा संविधान में एक नियम लाया जाए जिससे कि उन बलात्कारों को ऐसी सजा मिले जिससे सबके दर दर कांपने लग जाए। धन्यवाद। कि जिस तरीके से कोलकाता में रेप केस हुआ, या हर देश में या तो रेप केस की सजा फांसी होती है या गले कट जाते हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 4 दिन मोमबत्तियां जला के श्रद्धांजलि देने के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। क्या हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते? जिसने रेप किया है उसके साथ ऐसा करो कि उसके दिमाग में 1% सोचना आए कि हम ऐसा रेप भी कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। भारत में भी ये रूल आना चाहिए कि गुनाह करते ही फांसी दो या तो फिर गले कटवाओ, जो करना है करो, लेकिन अब हम नहीं सहेंगे। तो देखा आपने, एक एक शब्द बड़े स्पष्ट तरीके से बताता है कि पीड़ा कितनी बड़ी है, गुस्सा कितना ज्यादा है। हालांकि इस पूरे मामले में बड़ी संख्या में वहां पर छात्र छात्राएं जुटे, एक रैली के माध्यम से मशाल जलाकर इस पूरे प्रकरण पर आक्रोश व्यक्त किया गया, और आखिर में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते हुए इन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। तो ये जो आवाज़ें अब मुखर होकर निकल रही हैं, इनका असर कितना पड़ता है, इनसे बदलाव कितना आता है, ये देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।